जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। जल्दी आओ लाली। तुम भी खेलो ना फाउना, हम चारों होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं इंसान के बच्चों के साथ नहीं खेलता। ओ, पर मोगली हमारा भाई है। लेकिन मेरा भाई तो नहीं है ना। मोगली को सब पसंद करते हैं सिवाय तुम्हारे और शेर खान के। बचाओ 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 बचाओ। हिलना मत तबा की मैं तुम्हें निकालता हूँ। हिलना बंद करोगे तो जल्दी निकल पाओगे, ठीक है? हो गया। शुक्रिया मेरे दोस्त मोगली, तुम बहुत अच्छे हो। कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और तुम बेकार गीदर, तुम दोस्त हो? शेर खान का दोस्त तो है या शायद बनना चाहता है, पर एक बात पक्की है, ये शेर खान का जासूस है। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है, वो तो बस एक गीदड़ है जो गीदड़ वाली हरकतें करता है। और तुम एक बेवकूफ हो जो बेवकूफी वाली हरकतें करता है। तबाकी मेरे दोस्त, कैसे हो शेर खान? मेरे पास कमाल की तरकीब है उस बहुत अच्छे इंसान के बच्चे का काम तमाम करने की, और तुम उस प्लान में मेरी मदद करोगे। आखिरकार मुझे मिल ही गया। ये लो, इसे चखो मीरा। पहले इसे ट्रिकी को देते हैं ताकि पता चले कि इससे होता क्या है। सुनो, तुम्हें मीठा और मजेदार शहद चाहिए? सुनो छचिंदरो, यहाँ देखो, कुछ लोग इसे देखकर जलन के मारे कोयला हो जाएंगे। इस ताज के सामने तो मोर की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाएगी। मैं सबसे खूबसूरत बन गई हूँ। बिल्कुल माशा, पाव और फूला तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार है, बिल्कुल उन मोरों की तरह। वाह माशा, ये पहनकर तुम कमाल की लग रही हो। सब झूठ है, तुम मेंढक जितनी बदसूरत हो। एक फूलों से सजा मेंढक, फुलवारी का मेंढक, जिंगला जिंगला जिंग जिंग जिंग। ए, क्या खा रहे हो तुम? ये तो गड़बड़ शहद है ना, ये तो हम अपने दुश्मनों को देते हैं उन्हें पागल बनाने के लिए। बस करो माशा, हमने उसे थोड़ा सा ही दिया था। हम बस देखना चाहते थे कि इससे होता क्या है, ये मजेदार है। संभल कर, ये काट भी सकता है। माशा, फूल तो तुमने अच्छा लगाया है। क्या चाहिए तुम्हें? थोड़े मोर के पंख लगा लोगी तो और भी खूबसूरत लगोगी। उफ, मैंने उनके पंख तोड़ने की कोशिश की थी। उस मीना के लिए तो वो अपनी दुम के पंख फैला देते हैं, पर किसी और को तो हाथ भी नहीं लगाने देते। लेकिन मुझे पता है उन रंगीलों से काम कैसे निकालना है। मैंने मौका देकर उनके दो तीन पर चुरा लिए थे। ओ, तो क्या तुम मुझे वो दोगे? तुम मुझे वो गड़बड़ शहद दो जो सबको पागल कर देता है, और उसके बदले मैं तुम्हें पर दूंगा। क्या कहती हो? खूबसूरत पर तुम्हारे बालों के लिए। आ, क्यों नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लो मोगली, ये तुम्हारे लिए। लाली सही थी, तुम हम में से एक ही हो। चलो कहा सुना सब भूल जाओ, अब से दोस्त। ये एकदम असली है, चक्कर देखो ना। दिखने में भी बहुत बढ़िया है। तो शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुमसे बाद में नदी किनारे मिलूंगा बाला और लाली के साथ। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, शहद के मजे लो। ढिंका चिका ढिंका चिका, मैं हूँ मोगली, हे हे हे, जंगल का मैं हूँ राजा। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, ए आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या? चलो मोटे चाचा कुछ धमाल करते हैं। तुम तो नरम और गोल हो, बिल्कुल एक
कद्दू की तरह गोल गोल, कद्दू की तरह गोल गोल। मोगली तुम ठीक तो हो? ये क्या कर रहे हो? मोगली का मनपसंद बागड़ बिल्ला कौन है जिसकी मूंछ भी है? क्या ये बिल्ला बाल वाले कद्दू की तरफ है? क्या बाल वाला कद्दू? तबीयत तो ठीक है, तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं मेरे मोटे कद्दू चाचा, मैं बस थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ। ये बागड़ बिल्ला कई बार तुम्हें शेर खान से बचा चुका है और ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। शेर खान आने दो उस काले पीले जोकर को, मैं उसका यही इंतजार करूँगा। मैं उसका सीख कबाब बना के खा जाऊंगा क्योंकि आज से मैं हूँ जंगल का राजा। फाउना मुझे चाहे जितना भी शहद क्यों ना पिला दे पर मैं कभी कभी भी उसका दोस्त नहीं बनने वाला। तुम पागल हो गए हो मोगली, तुम्हारी नौटंकी बिल्कुल बेकार है। चलो बघीरा, तुम्हारी तबीयत ठीक होने के बाद हम तुमसे मिलेंगे। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ ठीक नहीं लगता बलू, और ये फौना और शहद वाली बात समझ में नहीं आ रही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये हुई ना बात, अब तुम असली भेड़िये की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं असली भेड़िये से भी बढ़कर हूँ, मैं भेड़ियों का राजा हूँ और इस पूरे जंगल का भी। मैं तुम्हारी तरह अजीब नहीं दिखता हूँ, तुम तो बस एक बड़े आकार वाले जानवर लगते हो। उसने बल्लू को मोटा कद्दू कहा। हाँ, और हम सबको बड़े आकार वाला कुत्ता कहा। मैं मोगली को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा, उसे जरूर कुछ हो गया है। हाँ हमने भी उसे देखा और लग रहा था जैसे वो पगला गया है। उसने मुझे कहा कि मैं उसका भाई नहीं हूँ और ये भी कहा कि मैं हमेशा उसके साथ दुम की तरह चिपका रहता हूँ। और कहा कि वो इस जंगल का राजा है। उसे ठीक करने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। मुझे लगता है उसे इंसानों के बीच वापस भेज देना चाहिए। लेकिन मुझे माफ करना रक्षा, फौना सही है, हमें उसे ठीक करना होगा। अगर यही सही है तो शायद उसे वापस भेजने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, चलो उल्लू कहीं के बुलाओ से, जोर से आवाज लगाना। मोगली जोर से बचाओ, मोगली बचाओ, मोगली। यूहू बोलो मोगली। जिंगलाला मेरे प्यारे भालू कच्चा, तुम सो रहे हो? थोड़ा सा डांस हो जाए बिल्ला मामा। जिंगलाला जिंगलाला, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो छोटू? इन सबको हो क्या गया है बताओगी? मुझे छोड़ दो बलू, हम मस्ती कर रहे थे। हमने इसे थोड़ा गड़बड़ शहद दिया था जिसे ये अजीब हरकतें करने लगा, कुछ ज्यादा ही अजीब। क्या गड़बड़ शहद? वो तो दिमाग को गड़बड़ कर देता है। फाउना तुम्हें कुछ याद आया बघीरा? वो शहद मोगली के साथ भी यही हुआ है। हाँ। जरूर फौना ने उसे शहद खिला दिया होगा। मेरे साथ आओ बघीरा। ढिंग चिका बोल रहे गीदड़, अभी क्या तुम ही रो रहे थे? मैं इस फंदे में फंस गया हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, नहीं तो मुझे जरूर कोई खा जाएगा और जंगल में मेरी हड्डी भी नहीं बचेगी। मेरे पैर, मेरी पूंछ, मेरी आँख नाक, कुछ नहीं बचेगा। बचाओ मुझे। मैं दोस्त मैं किसी गीदड़ का दोस्त नहीं बन सकता, मैं इस जंगल का राजा हूँ। वो शेर अब उसका राज खत्म हुआ। बोल ले इंसान के बच्चे, ये तेरे आखिरी शब्द हैं। एक बार नीचे आ जा फिर तेरा खेल खत्म। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे उस हाथी पर आजमा चुका हूँ जिसने गड़बड़ शहद खाया था। वो खुद को मधुमक्खी समझ रहा था और फिर उसने शहद बनाने के चक्कर में सारे फूलों का कचूमर निकाल दिया। ठीक चिका, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक चिका, ठीक चिका, ठीक चिका। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उसे डबाकी को बचाना था। अब तुम नहीं बचोगे शेर खान। एक बार तुम मेरे हाथ आ गया ना, फिर देखना मैं तुझे चबा जाऊंगा, मैं तेरा फुर्ता बना दूंगा। तेरे पीछे दबंग टबाकी। शहद का असर खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता टबाकी जंगल में रह पाएगा। ये सब क्या हो रहा है?
बल्लू ने मुझे बताया कि ये तुम्हारा काम था, तुमने शहद दिया। बकवास, उसे शहद माशा ने दिया था। ये झूठ है, वो तुमने ही किया था फाउना। तुमने मुझे कहा कि ये बहुत मीठा और लाजवाब है और अब हम दोस्त हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं हो। तो ये तुमने किया फाउना और झूठ भी बोला। पर ये तो भाषा थी। झूठे कहिके, तुम इसका इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती हो लेकिन तुम ये करके बच नहीं पाओगे। ये लो, तुम इसी के लायक हो। बस करो माशा, ये क्या कर रही हो? मोर के पंख कहाँ है? नीचे माशा, छोड़ो मुझे, माशा। मुझे लगता है उसके लिए इससे अच्छी सजा नहीं हो सकती है। बगी, बघीरा, सब ठीक हो जाएगा। मोगली, जरा मेरी मदद करना, हम अभी वापस आते हैं। उसकी हालत खराब है। हाँ, जहरीला कांटा उसके पंजे में बहुत गहराई में घुस गया है। क्या वो जहर बहुत खतरनाक है? पहले वो धीरे धीरे बघीरा को सुन कर देगा और फिर अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद बघीरा। तो तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते? लेकिन ऐसा करने से जहर और भी ज्यादा तेजी से फैलेगा। पहले हमें एक गांठ बनानी होगी, उसके बाद हमें जरूरत होगी कुछ फ्रेंच पैनी फूलों की। उसका मरहम लगाने से जहर फैलेगा नहीं और मैं कांटे को निकाल सकूंगा। हमें फ्रेंच पैनी के फूल कहाँ मिलेंगे? वही जहाँ हरजीत रहता है। उम्मीद है वो खड़ूस इस बार हमें अंदर आने देगा, पर तुम्हें पता नहीं कि वो कितना गुस्सैल है। नहीं, भागो यहाँ से, ये मेरा इलाका है। हे, जरा देखो तुम किससे पंगा ले रहे हो पहलवान। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मेरा मूड अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वाक बैम, मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर देता इस तरह। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? मुझे चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तुम देखना, जल्दी ही तुम दौड़ने लगोगे किसी एक एक पैंथर की तरह। बघीरा को इस हालत में अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा मोगली। चिंता मत करो, वो किसी से भी भिड़ सकता है, भले ही वो बीमार हो। किसने लिया मेरा नाम? का, कितना अच्छा हुआ कि तुम टपक पड़ी। मेरे दोस्त, मैं एक सांप हूँ, मैं रेंगती हूँ। तो फिर रेंगते हुए ही बघीरा के पास जाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ है बघीरा को? जब तक हम दवा लेकर नहीं आते, क्या तुम उसके पास बैठ सकती हो? वो बीमार है। नहीं, पर उसके पंजे में एक जहरीला कांटा चुभ गया है। किस तरह का जहरीला कांटा, क्या वो मुझे दे सकता है? देखो का, तुम बहादुर हो, है ना, और तुम होशियार भी हो। हाँ, ये मेरी सबसे खास बातें हैं। बघीरा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, जाओ ना का, प्लीज। माफ करना, मुझे कई सारे काम हैं। बुरा हुआ, पर मेरे पास बघीरा के साथ रुकने वाले के लिए एक सरप्राइज है, पर लगता है वो अब किसी और को देना होगा। एक सरप्राइज? ये मत सोचना मैं यही नाम के लिए कर रही हूँ। तुम भी मेरे फल चुराने चाहते हो? मेरे इलाके से भाग जाओ। पर हरजीत, ये मैं हूँ, मोगली, तुम्हारा दोस्त। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। सुनो, हम बस बघीरा के इलाज के लिए फ्रेंची पानी के फूल लेने आए हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे इलाके में पैर नहीं रख सकता। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मेरे बाद ये दोहराओ। इससे तुम ठीक हो जाओगे। क्या ऐसा बोलने से मेरा ये कांटा निकल जाएगा? इससे कहते हैं योगा का, ये है मेरी हीलिंग टेक्निक्स, ट्राई करो। जोर से और फीलिंग के साथ। मैं पेड़ों पर चलते हुए फूलों तक पहुंच जाऊंगा और हरजीत को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी बेल है।
ये वाली भी मेरी बेल है। अच्छा, क्या मुझे एक उधार मिल सकती है? ये एक इमरजेंसी है, मुझे बचाना है। ठीक है, तुमसे बात करके अच्छा लगा, पर मुझे तुम्हारी इजाजत के बगैर ही आगे बढ़ना होगा। ये कसरत बेहतर है, इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। क्या तुम्हें यकीन है ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? तुम साथ नहीं दे रहे हो। क्योंकि इससे दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब ये काम कर रहा है। चिम्प्स और उस बैजर के होते हुए ये मामला काफी मुश्किल होने वाला है। ये उसकी पूंछ है, मैं उसे पकड़ लेता हूँ और उसे रोक कर रखूंगा, तब तक तुम जाकर फूल तोड़ लेना। पकड़ लिया, जाओ 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 बलू। पर वो उसकी पूंछ जैसी लग रही थी। हे, हरजीत की पूंछ! अगर हम दोनों को लगा कि ये हरजीत की पूंछ है तो शायद हरजीत को भी लगेगा कि ये उसकी जैसी किसी की पूंछ है, तो शायद वो उसका पीछा करे। उसे तो ये भी लग सकता है कि ये पूंछ किसी मिस हनी बैजर की है। और अगर ऐसा हुआ तो वो दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आवाज सुनो शरीर की। मैं तो सुन रहा हूँ, पर मेरा शरीर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है। हे, तुम्हें पूरा ध्यान लगाना होगा इसमें। नहीं नहीं चलेगा, ऐसे करो। मिस, हेलो, मेरा नाम है हरजीत। तो तुम्हें नाचना पसंद है? मिस, बैजरीना, तुम्हारी मस्तानी पूंछ देखकर तो मेरा शहद पीने का मन कर रहा है। बैजरीना। बैजरीना। बैजरीना, कहाँ हो तुम? देखो बघीरा, हम जरूरत का सारा सामान ले आए। आखिर वो है कहाँ? हम उसके मन की शांति के लिए कसरत कर रहे हैं। बघीरा, बघीरा, बस दो कॉइल्स के बाद वो बच जाता, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कहाँ चली गई तुम? सामने आओ ना। बगी, ये मैं हूँ। बगी, बगी, मैं जानता था एक छोटा सा कांडा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम सब मेरी कीमत ही नहीं समझते। मैं बहुत खुश हूँ, हमने उसे बचा लिया, हमने उसे बचा लिया। एहसान फरामोश कहीं के, सिर्फ योगा का की वजह से तुम जिंदा हो। अगर मैं नहीं होती तो थुक, थुक, थुक। तुम्हारी जबान पेट में गिर गई है क्या का? बेकार, बेशर्म, बेदर्द, बेईमान, एहसान फरामोश जानवर। ये क्या किया तुमने? तुम्हें मेरे दोस्त को नहीं खाना चाहिए था। मुझे परेशान मत करो बेवकूफ हनी बैजो।
तुम जरूर वो सरप्राइज होगे जिसका बल्लू ने वादा किया था। नहीं हरजीत, इस बेदर्द अजगर ने मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त को खा लिया। नहीं हरजीत, कान ने किसी को भी नहीं खाया, वो बस एक फर्न था और कुछ नहीं। इसे बचाने के लिए झूठ मत बोलो। तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। से बताओ कैसी रही का? माफ करना हरजीत, वो बस एक फोन था। देखो, तुमसे बचकर फूल लाने का यही एक तरीका था। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढता हूँ। बैजरीना, मिस हनी बैजर, तुम कहाँ हो?